नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 23 दिसंबर। चलिए फटाफट जानते हैं सिवान, छपरा, गोपालगंज, अररिया, लखीसराय, पटना और अन्य जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान शहर के संघमित्रा पब्लिक स्कूल महावीरी सरस्वती शिशु मंदिर, महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर, विजय धाता राजवंशी देवी बालिका स्कूल, जेड ए इस्लामिया पीजी कॉलेज, डीएवी पब्लिक कंदवारा, बीके डीएवी श्रीनगर, डीएवी हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज, वीएम हाई स्कूल व डॉन बॉस्को हाई स्कूल समेत 11 परीक्षा केंद्रों पर 26 दिसंबर को बिहार पुलिस आयोग की अवर निरीक्षक व प्रारक्ष अवर निरीक्षी की परीक्षा होगी, जिसमें दोनों पालियों में 6988 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दो पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया है। पहली पाली 10 बजे से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा शुरू होने के बाद 10 मिनट बाद जो अभ्यर्थी अनुपस्थित होंगे उनके प्रश्न पत्र विचक ले लेंगे। एडीएम रमन कुमार सिन्हा को सहायक परीक्षा संयोजक नामित किया गया है। अगली खबर, छपरा जिले के ईसुआपुर बाजार में मां अखंड ज्योति मेडिकल हॉल का ताला काटकर अज्ञात चोरों ने दुकान के काउंटर में रखे 1.5 लाख रुपए चुरा लिए। घटना सोमवार की रात की है। इस संबंध में दवा के थोक विक्रेता दुकान मालिक के केरवा गांव के पूर्व मुखिया रघुवंश कुमार सिंह के पुत्र प्रमोद कुमार सिंह ने ईसुआपुर थाने में FIR दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि सोमवार की देर संध्या वे दुकान बंद करके केरवा गांव स्थित अपने घर चले गए थे। वहीं अगले दिन मंगलवार को सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान के दरवाजा का ताला टूटा हुआ था। जब दुकान के अंदर गए तो कैश रखने वाले ड्रॉवर नीचे पड़ा हुआ था। बिक्री के रखे हुए लगभग 1.5 लाख रुपए गायब थे। चोरों ने दुकान के में लगे CCTV में के तार को भी तोड़ दिया था। घटना की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। अगली खबर, गोपालगंज जिले के उचका गांव के महैचा मोड़ पर मंगलवार को शराब तस्करों की बोलेरो से एक साइकिल सवार ठोकर लगने के बाद स्थानीय लोगों में गाड़ी में रखी शराब को लूटने की होड़ मच गई। मौके पर किसी ने शराब लूटे जाने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, अभियान चलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक कार्टन शराब के साथ बोलेरो को जब्त कर लिया गया। बता दें कि महैचा बाजार के समीप तस्करों की गाड़ी एक वृद्ध की साइकिल से टकरा गई थी। उचका गांव थाना अध्यक्ष अब्दुल मजीद ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर शराब लूटने के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। शराब तस्कर की भी तलाश की जा रही है। अगली खबर, किऊल जमालपुर रेलखंड पर बुधवार की सुबह आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। इस रेलखंड पर अवैध दैताबांध रेलवे क्रॉसिंग पर फंसी एक बोलेरो से ट्रेन की टक्कर हो गई। इस टक्कर से बोलेरो के परखच्चे उड़ गए, लेकिन ट्रेन पर बेपटरी होने से बच गई। हादसे के बाद से बोलेरो सवार फरार हो निकले। अगली खबर, अररिया जिले में रवि फसल के सीजन के DAP खाद के बाद अब यूरिया की किल्लत से पूरे क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ है। नरपतगंज बाजार के खाद दुकान पर बुधवार को यूरिया खाद के वितरण को लेकर आधी रात से ही करीब 10,000 से ज्यादा किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ भी आधी रात से ही यूरिया के खरीद के लिए लाइन में लगी हुई है। इसके बावजूद दिन के 11 बजे तक दुकान नहीं खोले जाने के कारण किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कई जगह तो लाइन में खड़े होने के लिए किसान को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पूरी नरपतगंज बाजार में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अगली खबर, जोरदार ठंड झेल रहे राजधानी वासियों को 2 दिनों तक जारे से कुछ राहत मिल सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 48 घंटे में राजधानी समेत राज्यभर के तापमान में विशेष गिरावट नहीं आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र से जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में राजधानी समेत सूबे में मौसम शुष्क रहा। अगली खबर, सोनपुर मंडल के कुरसेला व कोसी ब्लास्ट हट में 24 से 28 दिसंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर बेगूसराय स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इसमें कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेन का मार्ग परिवर्तित किया गया है। बढ़ाल देखते रहिए A1 न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि हम आपको खबरों से अपडेटेड रख सके। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।